अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके यूपी पीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों, आप लोग के फाइनल राउंड का रिजल्ट जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग काउंसलिंग का रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो आपके फाइनल राउंड के काउंसलिंग का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है, तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहिए, तो हम सब कुछ जानेंगे आपको रिजल्ट कैसे देखना है। और जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और डायरेक्ट एडमिशन कब से होंगे, उस पर हम पूरा डिस्कस इस वीडियो में करेंगे और पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो रेड कलर की एक बटन दिख रही है, उसको हल्का सा टच कर लीजिए सब्सक्राइब वाली, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सबसे पहले जानेंगे क्या करना है। देखिए, अभी तक जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है और जो बच्चे चाहते थे कि हमें घर के पास का कॉलेज लेना, घर से दूर कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है, पहली बात तो यही आपकी कंडीशन लग रही थी, भी बच्चे चाह रहे हैं कि घर के पास हमें कॉलेज मिले, घर के दूर कोई कॉलेज लेना नहीं चाहता। अच्छी बात है, घर के पास कॉलेज रहे, 2 साल दोस्तों वहां आपको समय बिताना है, तो घर के पास रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो दूर का अप डाउन। और बीटीसी में कुछ इतना ज्यादा तो रहता नहीं कि आप अप डाउन करें 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो 2 से 4 किलोमीटर दोस्तों कॉलेज रहेगा तो सही रहेगा। देखिए होता क्या है, अब डायरेक्ट एडमिशन सही है यानी पहले इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है, ये बीटीसी का अभी एक प्रोसेस आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, अभी तक नहीं आया है, लेकिन हो सकता है दोस्तों 30 अगस्त के बाद उसकी डेट जारी कर दी जाए कि कैसे क्या करना है। फिलहाल अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के पास जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका डायरेक्ट एडमिशन ले ले, लेकिन उसको आपके लिए एक मतलब हम और बता दें, अभी आपको भले पैसे ले ले कॉलेज वाले, लेकिन वो आपका एडमिशन शो नहीं कर पाएंगे, आपकी डेट ये नहीं दिखा पाएंगे कि आपका एडमिशन आज से हो चुका है। ये बात आपको समझनी है कि वो आपका एडमिशन की डेट शो नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कहेंगे कि चलिए आपका एडमिशन हो चुका है। और खुश रहिए आप लोग कि जैसे दोस्तों ऑफिशियल आएगा नोटिफिकेशन आपके पीएनपी या जो भी है इलाहाबाद से, प्रयागराज से मतलब, तो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक दोस्तों आपको सिर्फ पैसे देने, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए दोस्तों, जल्दी देखें यहाँ से रिजल्ट, कहाँ से रिजल्ट दे सकते हैं, तो दोस्तों हमने कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर दोस्तों आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। फिलहाल अभी वेट करिए, लिंक थोड़ी देर में देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, नहीं तो कुछ गलती मत करिएगा। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, अगर आपको एडमिशन आपके मन पसंद का कॉलेज अलॉट हुआ दोस्तों, तभी आप लोग कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके घर के पास कोई भी प्राइवेट कॉलेज है तो वहां पर जाके एक बार संपर्क कर लीजिए। देखिए सरकारी कॉलेज में सीटें नहीं बचती हैं, अगर आपकी मेरिट कम है तब तो दिक्कत है। इन केस मान लेते कि आपका फेज टू को जो सेकेंड राउंड में भी अगर कुछ बच्चों ने कॉलेज छोड़ दिया, जी हाँ दोस्तों इसमें वैसे उम्मीद नहीं है कि बच्चे कॉलेज छोड़ेंगे, क्योंकि मौका उन्हीं बच्चों को मिला था जो बच्चे कॉलेज छोड़ नहीं रहते, या जिन बच्चों को अभी तक मौका ही नहीं मिला था। और जो बच्चे कॉलेज जानबूझ के छोड़े मतलब, या गलती से उनको दूर कॉलेजेस मिले चाहे जो भी रही हो, अगर किसी बच्चे की तरफ से कोई गलती पाई गई तो उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए यही होता है कि दोबारा मौका आजकल कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आपने एक गलती की तो समझ लीजिए आपने सरकारी कॉलेज ही मिस कर दिया। लेकिन अब डायरेक्ट एडमिशन में अगर दोस्तों वहां पर सीटें खाली रहेंगी तो दोस्तों उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे बात नहीं रहेगा कि उनको मौका ना दिया जाए। अब भाई कुछ भी हो सकता है प्रोसेस के थ्रू कि उनको मौका वैसे देना चाहिए डायरेक्ट एडमिशन में, अगर मान लेते नहीं देते तो फिर उनका वेट एंड वॉच करना थोड़ा गलत हो जाएगा। अब अगर आपका दोस्तों कॉलेज, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो 10,000 रुपए की आपको पेमेंट करनी है। तो आप ये सोच रहे होंगे 10,000 रुपए हम कब तक पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों 10,000 रुपए के लिए चलिए हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे आपकी विज्ञप्ति कहाँ गई। देखिए ये फेज टू की विज्ञप्ति आई थी, और दोस्तों देखिए आज आज का डेट था, उसमें मेंशन की 26 अगस्त को आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों रिजल्ट आपको तो आ चुका है, जैसा कहा गया वैसा किया गया। देखिए दोस्तों जो आपको एडमिशन कॉलेज में मिलेगा 22 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है, तो मतलब 29 अगस्त के बाद आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ये बात तो कंफर्म है। तो साफ साफ दोस्तों आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप 29 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात मानिएगा तो कम से कम आप 27 अगस्त तक पेमेंट कर दीजिए। तो 27 अगस्त तो कल ही है, तो हाँ एक दो दिन में दोस्तों कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत क्या आएगी पता है, अगर आप लेट करेंगे ना तो कभी कभी दोस्तों लास्ट टाइम में आपको एक और बता दें कि कभी कभी होता है अगर आपने 10,000 का पेमेंट किया, पैसा कट जाएगा बैंक से लेकिन पेमेंट नहीं होगा। काफी बच्चों के साथ दोस्तों ऐसा हुआ है, लेकिन वो पैसा रिफंड हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि वो पैसा लौट कर नहीं आएगा। अगर कोई पैसा ऐसा कटा है कि मतलब डाउन आपका अलॉटमेंट जो भी है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड भी ना हो और 10,000 रुपये भी कट जाए, तो इसीलिए दोस्तों कह रहे हैं हम रिस्क मत लीजिए। लास्ट समय का कुछ बच्चे होते हैं कि अब चलो 29 तारीख को हम ट्राई करेंगे, मान लीजिए दोस्तों गलती से आपके साथ वो वैसा कोई एक्सीडेंट है जो भी कहिए दोस्तों, गलती से ही अगर 10,000 रुपये आपका कट गया और पेमेंट फेल हो गया तो आप क्या करेंगे, अब बताइए। या तो आप तुरंत के तुरंत 10,000 रुपये का जुगाड़ कर सकते हैं, अगर आप एक रिच फैमिली से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर आप लोग नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली से हैं
तो 10-10 हज़ार पे दोस्तों बच्चे वेस्ट नहीं करना चाहते कि चलो बार बार पेमेंट करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट का दोस्तों हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पर आप जाके देख लेंगे। देखिए कि हम आपको बताना क्या चाहते थे कि जो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, 30 अगस्त। तो मतलब सभी कॉलेज वाले आपका डेटा 30 अगस्त 2019 तक टीएनपी कार्यालय को भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपका परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा कि इतने बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है। ठीक है, 30 अगस्त तक दोस्तों उनके पास सारा डाटा होगा कि किस प्राइवेट कॉलेज में या किस सरकारी कॉलेज में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है। लेकिन दोस्तों जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे उनका भी दोस्तों डेटा 30 अगस्त तक हो सकता है ना शो किया जाए, उसके बाद किया जाए, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर काउंसलिंग का प्रोसेस आपके सामने शो हो रहा है और कहीं पर भी दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन की बात नहीं कही गई है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं होता, लेकिन फिलहाल अभी आपके सामने देख रहे होंगे जो विज्ञप्ति आई है इसमें डायरेक्ट एडमिशन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। और हो सकता है कि दोस्तों अभी एक और विज्ञप्ति है जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन को लेकर जिक्र किया जाए, तो आप लोग जाकर बात कर सकते हैं आपके जो घर के पास में जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपकी क्लासेस 6 अगस्त से शुरू है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है दोस्तों। देखिए ऑलरेडी आपके 20 दिन बीत चुके हैं, तो 29 तक आप लोग प्रवेश लेंगे, तो 30 अगस्त से आपको क्लासेस शुरू तो करनी पड़ेगी। अब ये मत सोचिए कि हमें क्लासेस लेने का मन ही नहीं है, तो डायरेक्ट कॉलेज वाले तो दोस्तों आपको पहले दिन से क्लास लेने के लिए बुलाना शुरू कर देंगे। तो डिसाइड दोस्तों आपको करना है कि अब आगे कैसे क्या करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस बार का रिजल्ट कैसा रहा उसको पहले जान लेते हैं। काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, सर इस बार जो रिजल्ट आया कट ऑफ थी कैसा रहा, डाउन हुआ है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस बार जो लास्ट फाइनल राउंड का रिजल्ट आया ना फाइनल राउंड में, तो इस बार आपके जनरल कैटेगरी के बच्चों ने बाजी मारी है। कि हुआ क्या दोस्तों, हमने पहले आपको बताया था कि फाइनल राउंड में आपकी किसी भी प्रकार की आरक्षित वर्ग नहीं चलेगा, सभी बच्चे जनरल की बात ही माने जाएंगे। तो दोस्तों जनरल वाले जो बच्चे बचे थे उनकी मेरिट थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उन्होंने फायदा उठाया, और जो बच्चे लास्ट राउंड से आए थे तो उनको तो मौका मिल ही चुका था। आपको पता है फेज टू में पहला राउंड जो हुआ था तो वो 2,50,000 एक रैंक से लेकर 3,30,000 समथिंग तक हुआ था ना, तो उनमें उनको मौका दिया गया था वैसे। लेकिन दोस्तों जो लास्ट राउंड में सीरियसली बोले बाजी मारे तो वो बच्चे थे आपके जनरल कैटेगरी के बच्चे। तो जल्दी जल्दी आप लोग एडमिशन लेना शुरू करिए। अब प्रोसेस दोस्तों थोड़ा सा और हम बता दें आपको कि क्या है प्रोसेस, कहते क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, चलिए आपको लिस्ट बता देते हैं, कम से कम इतनी चीजें आप लेकर जाएंगे नहीं तो आपको दिक्कत होगी। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर जो भी हुआ है 10,000 पे पेमेंट करके इसको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग अपना जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको दोस्तों आप लोग जरूर लेकर जाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि उसी से आपका डाटा मैच किया जाएगा कि वहां पर आपने हाई स्कूल में 10th में, 4th दोस्तों इंटर में, और 5वां आपका ग्रेजुएशन में कितने नंबर डाल रखे हैं। ठीक है, ये बात वहां दोस्तों आपको पता चल जाएगी। पहले 5 चीजें बहुत ही जरूरी है, उसके बाद दोस्तों 6 होगा आपका निवास प्रमाण पत्र, इसको हम बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जरूरी है। अगर आपने कैटेगरी का फायदा उठाया तो कास्ट सर्टिफिकेट, और दोस्तों आपके पास डिमांड ड्राफ्ट होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं एडमिशन तो देखिए फीस समझ लीजिए, प्राइवेट कॉलेज की फीस आपकी 41,000 रुपये होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने पहले 10,000 रुपये अगर पेमेंट कर दिए हैं तो आपको दोबारा जो डीडी बनेगी वो 31,000 रुपये की बनेगी। अगर दोस्तों सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है 10,200 रुपये होती है, अगर आपने पहले से 10,000 रुपये के पेमेंट कर रखा है तो आपको सिर्फ 200 रुपये और पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझनी है। तो आपकी 8 चीजें दोस्तों ये हो गई। उसके बाद दोस्तों 9वां जो आता है आपका वो होता है आपका एक शपथ पत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, उसमें ये लिखवाना पड़ेगा भाई मैं कॉलेज रोज आऊंगा, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये सब दोस्तों जो नॉर्मली फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट या जो भी हो दोस्तों आपके पास, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया था माइग्रेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो वो दे सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम आप लोग इतनी चीजें लेकर जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ कॉलेजेस वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र, या कुछ कॉलेज वाले तो और आगे बढ़कर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो दोस्तों ये सभी कॉलेज वाले नहीं मांग रहे, तभी हमने बोला कुछ कॉलेजेस में ये डिमांड की गई है। तो आप लोग दोस्तों ये सब चीजें लेकर जाइएगा तो आप लोग आसानी से एडमिशन पा सकेंगे। तो जल्दी से दोस्तों जाइए एडमिशन लीजिए। और दोस्तों एक और बता दें, सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वहां पर सबमिट करना होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको जमा करा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले लीजिएगा, नहीं तो कॉलेज वाले पता है डॉक्यूमेंट जमा क्यों कराते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 41,000 रुपये पेमेंट तो कर दिए और वो बच्चे हो जाते हैं फेल, तो वो कहेंगे यार हमें दोबारा सेमेस्टर नहीं पढ़ना है, आगे सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ना है, तो उनसे दोस्तों दूसरे साल की फीस निकलवाने के चक्कर में ये आपके डॉक्यूमेंट जमा करा लिया जाता है कि आप लोग भले ना पढ़े दोबारा लेकिन 41,000 रुपये उनको जाकर दे दीजिए, नहीं देंगे तो कॉलेज वाले गुंडागर्दी पर आ जाएंगे। तभी आके वो डॉक्यूमेंट जमा किए रहते हैं और दोस्तों वो जानते हैं कि बच्चे हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब बातें होती है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि सच में आप लोग कॉलेज वाले का क्या कर लेंगे। सोचिए सभी बच्चे भाई नॉर्मल परिवार से होते हैं, अब कौन उनसे लड़ने जाएगा। इतने बड़े कॉलेज के जो ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं ना, वो बहुत बड़े लेवल के होते हैं दोस्तों। ये सब चीजें होती, छोटी छोटी चीजें, वो सोचकर आप लोग के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा लेते हैं। लेकिन ये डैड की फॉर्मेलिटी भी है, तो ये फॉर्मेलिटीज भी दोस्तों अदा की जाती है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और सबसे पहले दोस्तों आप लोग रिजल्ट अपना दिए गए कमेंट बॉक्स में लिंक का प्रयोग करिए, और उससे आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, वहां पर आपको एक लिंक दिया गया है, खाली वहां पर आपको क्लिक करना है। पहला उसमें विकल्प होगा डाउनलोड रिजल्ट, उसको क्लिक करके आप लोग अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, अगर आपने अभी तक रिजल्ट डाउनलोड नहीं किया, उम्मीद करते हैं रिजल्ट अच्छा रहा दोस्तों। और सरकारी कॉलेजेस इस बार ज्यादा बच्चों को मिला है, प्राइवेट कॉलेजेस की भी होड़ लगी है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।